क्या आपने कभी किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए 15 से 20 लाख स्टूडेंट की भीड़ देखी है? अगर टीचर के पढ़ाने का अंदाज ही अनोखा हो तो ये संभव है। उनके अंदर एनर्जी है, वो सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उनको अपनी भाषा में सीखना है। मेरा मकसद यही रहा कि लड़के जब मेरे क्लास में आए तो वो ये सोच कर ना आए कि हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ये सोच कर आए कि आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, और एक एनर्जी के साथ आए और हंस खेल के जाए वहां से। लो सोचा, तू ही ना पोती थी उसको, तो ये सब नहीं करना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए। हम खान सर और उनका लक्ष्य है सभी लोगों को काबिल बनाना, ना कि पैसे कमाना। अगर खान सर चाहे तो कम पढ़ाई को अपनी कमाई का जरिया बनाकर करोड़ों कमा सकते हैं और ऐसो आराम की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन खान सर कहते हैं कि मैं शिक्षा को इतने निम्न स्तर तक ले जाना चाहता हूं, जहां समाज के वो लोग जिसे तकिया खरीदने का पैसा नहीं हो, उसे मैं चाहता हूं कि शिक्षा से मालामाल कर दूँ। लोग हमें करोड़ों रुपये में खरीद सकते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से ही फीस लेंगे। और मेरा मकसद यही है कि समाज के अंतिम पीढ़ी को हम शिक्षा दे सके, जिसे तकिया खरीदने का पैसा नहीं, वो अपना हाथ मोड़ कर तकिया लगाता है, तो उसे हम कैसे पढ़ा सकते हैं जब हमें कोई अगर 1 करोड़ में खरीदेगा तो वो स्टूडेंट से लेगा। इसलिए हम कम से कम में हम शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वो लोग जागरूक हो सके। खान सर के वीडियो में ये दिखता है कि एक भारतीय होने का मतलब क्या है। हमारा अभिभावक के लिए भी मैसेज रहेगा कि गार्जियन के लिए कि आप अपने बच्चे को बहुत प्यार दीजिए, उसे प्यार दीजिए जितना दे सकते हैं, कोई कमी मत कीजिए, लेकिन उस पर हमेशा नजर बैठाए रखिए कि गलत करेगा, यही नजर एक दिन उसको पूरी दुनिया के आगे खड़ा करेगा। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीते दिन ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। हैशटैग ये था रिपोर्ट खान सर। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि खान सर मुस्लिम नहीं है और वो आरएसएस के प्रोपेगेंडे को पूरे देश में फैला रहे हैं और अपने वीडियो के द्वारा मुस्लिम की भावना को चोट पहुंचा रहे हैं, जो कि मेरे नज़र से बिल्कुल निराधार है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है, इसलिए क्योंकि जब फल पक जाता है तो लोग चाहते हैं कि उसे पत्थर मारकर गिरा दें। धन्यवाद।